अस्सलाम वालेकुम शान मोटर्स एंड व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज एक ऑक्शन में बहुत ही एंटीक और नायाब गाड़ी, बहुत ही प्यारी, जिसे जर्मन गाड़ी भी आप कह सकते हैं, प्लेमाउथ। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही हसीन और खूबसूरत, लाजवाब कंडीशन में। जो भी भाई इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो बताने का मकसद ये है, अगर वो बाय करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी की कंडीशन माशाल्लाह देखें कितनी ये हसीन है, कितनी है। इसके मॉडल की अगर बात करें तो ये मॉडल 1938 मॉडल है, पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले का मॉडल है। 10 साल का फ़र्क है पाकिस्तान से पहले। प्लेमाउथ ये गाड़ी है। गाड़ी की कंडीशन मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये लोग भी चेक कर रहे हैं इसको। माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है प्लेमाउथ। ये एक बंदा है, ये इसके साथ इंस्पेक्शन कर रहा है। नाम पढ़ के देखें, ये इसका ब्रांड है। और साइड से आपको कंडीशन दिखाता हूँ। बिल्कुल ये एक्चुअली अमेरिकन कार है, अमेरिका से ऑक्शन वालों ने इंपोर्ट की है। फिर जो यहाँ दुबई के जो अरबी हैं, जो शौकीन लोग हैं, वो यहाँ आते हैं और इसको बाय करते हैं महंगे दाम पे। अब ये गाड़ी जो है, ये आपके अंदाज़े से ये एक एंटीक पीस है, और मेरे अंदाजे से भी एक एंटीक पीस है। और जब ये आती है, हालांकि इसमें अभी शायद इंजन उस तरह से ख़ास वर्क ना कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। अभी साथ साथ चल के मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि इसकी क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है। लेकिन शौकी लोग जो हैं वो इसको लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अल्ट्रेशन करते हैं, बीच में इंजन बहुत बड़ा वाला डाल लेते हैं किसी पचारो किसी जीप का। अंदर से अगर आपको कंडीशन दिखाऊँ, अंदर से जा कर देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये इसके हैंडल्स देख रहे हैं आप, शीशा ऊपर नीचे करने वाला भी है, स्टेयरिंग है। और ये जो सीटें हैं इसकी, बहुत ही कंफर्टेबल है। सोफ़ा सीट है, स्प्रिंग वाली सीटें होती हैं। छत की अगर आप कंडीशन देखें तो छत गली हुई है, गंदी हुई हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन गाड़ी बहुत लाजवाब गाड़ी है। ये देखें, ये इसकी ब्रेक, क्लच, रेस वगैरह, इसका स्टेयरिंग कितना, इन्होंने उस वक्त के ज़माने के हिसाब से कितना स्मूथ था। अंदर बैठ के देखते हैं, बैठ के होंगे मैं आप। स्टेयरिंग है, फोम वाली सीटें हैं, और आई स्वेयर टू गॉड इतना कंफर्टेबल V8 भी नहीं होगा जितना ये इस गाड़ी की सीटें कंफर्टेबल है। ये इसका क्लच है, ये रेस है, और जो कि स्पीड, अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 100 इसकी स्पीड थी। साथ में ये फ्यूल की टंकी और ये हीटिंग गेज, साथ में ये गेयर आ जाता है। प्रॉपर उस वक्त भी इन्होंने बहुत ही तरक्की की थी। ये इसमें रेडियो सिस्टम आ जाता है चाबी वाला, और ये नीचे म्यूज़िक सिस्टम भी पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने हैंडल दिया हुआ दरवाज़ा बंद करने के लिए, ये लॉक अनलॉक का है, ये शीशा ऊपर नीचे का है। अच्छा, साथ ही चलते हैं, पिछली सीट भी आपको इसकी मैं खोल के दिखाऊँगा। लेकिन इसकी सीटें आप देखें, ये पूरा स्प्रिंग डला हुआ है 110%, बड़ा मोटा स्प्रिंग नहीं होता वो है। पीछे की अगर सीट दिखाऊं तो पीछे की ये इन्होंने रोल्स रॉयस की तरह, रोल्स रॉयस वालों ने शायद इसको कॉपी किया हो, तो इस तरह कॉपी, ये खोल के यहाँ से इजीली अंदर बंदा बैठ सकता है। बहुत ही कमाल की, बहुत ही अखीर एंड लेवल की गाड़ी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही तरबियत खुश होगी ऐसी गाड़ी की, किस बंदे ने इसको इतना संभाल के रखा हुआ। ये एक्चुअली अमेरिका से इम्पोर्ट हो गया, या डिगी भी इसमें, डिगी दिखाते हैं, डिगी डिगी आपने देख लिया। अब इसको उठा के लेके जा रहे हैं, इसकी बोली लगने लगी है, ये देखें क्रेन में इसको उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि शायद इसका स्टार्टिंग का इशू है, तो इस वजह से इसको बोली के लिए लेके जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बोली में इसकी क्या कीमत लगती है। ये अब ऑप्शन में इन्होंने उठा लिया। टायर इसके देखें, टायर ब्रांड न्यू टायर्स माशाल्लाह। पिछला टायर देखें, ये देखें, ये बिल्कुल नए कंडीशन के टायर, और उस वक्त के ज़माने के माशाल्लाह टायर अभी तक लगे हैं। देखते हैं कौन कुछ और ये क्रेन वाले बंदे से भी आपको बात है, जो यहाँ पे जो बंद गाड़ी होती है बैठे होते हैं। ये हेलो, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, जस्ट लिव इन अमहा।
प्लेम आउट, गाड़ी का नाम है प्लेम आउट। बिड इसकी स्टार्ट हो रही है 16,500 दिरहम से। देखते हैं 16,500 को अगर हम कैलकुलेट करें पाकिस्तान में तो ये बनते हैं 12 से 13 लाख रुपया। और देखते हैं इसकी बिड कहां तक जाती है, कौन लेता है इसको और कितने तक कितने दाम में खरीदता है और कहां जाके ऑक्शन वाले राजी होते हैं इसको बेचने के। तो ये फाइनली गाड़ी फोर्ड बिक रही है बैंड 23,000 दिरहम में फोर्ड है। फोर्ड है इसके बाद उस गाड़ी की बिड है। इसकी बिड कैसे खत्म होगी तो साथ ही साथ उस गाड़ी की बिड रिवो डाला कुछ भी नहीं है बैंड 14 फोर्ड 150। तो लेट्स सी क्या बनता है। होप फॉर द बेस्ट फ्लेम। अच्छा ये वो फोर्ड थी, आइए देखते हैं इसकी बिट कितने में सेल होती है। ये सेल हुई है, इसको इंपोर्ट करके लेके जाते हैं वहां पे 16,500 दिरहम में ये वाली गाड़ी सेल हुई है। इसकी 4,500 दिरहम से शुरू हुई। तो फाइनली ये वो गाड़ी आ चुकी है, अब आपको दिखाते हैं कितने में सेल होती है कितने में नहीं होती। सुनिएगा आप Будь морозна, дві наста, час гестіна нага. Це гестіна нага, краси карань, це саме я тамані оперативі в Саяла. Це гестіна нага. Будь морозна, дві наста, час гестіна нага. Це гестіна нага. 20,000, I've seen and 20,000. Будь морозна, дві наста, час 20,000. I'll be here, once. 20,000. Boy, I've seen and. Third and last, all done. Last call, last call. 25, I'm sorry, I've seen. Still under approval, let the sale. 25,000. Green light, 25. Comes our sheet and set a green light. 25. Revelation, 1938 is set up. 25,000. Booking motorcycle, deal last time, just 25,000. 25,000. Booking motorcycle, deal last time, just 25,000. Comes our sheet and 1938, Chris of Kerr, Wagga Salima, 25. Booking motorcycle, deal last time, just 25,000. Fuck, that's a near sir, Allah. Comes our sheet and 25. And there, once. 25,000. Twice. 25,000. Third and last. All done. Last call. Last call. Sold. 25,000. Next. 25,000 दिरहम में गाड़ी सेल होगी। मुबारक को लेने वाले की।